नीचे उतरना पड़ेगा। अच्छा संख्या एवं संख्या पद्धति खत्म हो गई। सवाल तो चलते है, इतने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मेन चीज तो गई, अब तो कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। कौन सा पिता पुत्र कैसे? हाँ, अब नया स्टार्ट करता है, इसको सेटलमेंट हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं। मैन रीजनिंग के अंदर, ठीक है। हाँ स्टार्ट कर दीजिए यार। हाँ रीजनिंग के अंदर रीजनिंग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना आज से जीरो लेवल से। उस टॉपिक का नाम है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आएगा वर्णमाला, जिसको फादर ऑफ रीजनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सा टॉपिक होगा? वर्णमाला। कौन कौन जानता वर्णमाला के बारे में? वेरी गुड, सभी जानते हैं। नहीं जानते तभी सीख लेना, ठीक है। कैसे काम में लेते हैं? ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये वर्णमाला है। बाएं से इधर जाओगे और दाएं से इधर से आओगे। वर्णमाला ए से लेके जेड तक होती है, सभी को पता है। जिस लोगों को नहीं पता है वो देख लीजिएगा। अब देखो, जैसे आप लोग को ये कहते हैं बाएं सिरे से, बाएं से दूसरा बी और दाएं से दूसरा वाई। लेकिन जैसे कोई 20 में से शब्द उठ जाता है, इस प्रकार से मान लीजिए आपके ये आर आर आ गया। अब इस आर का ये भाग बाएं होगा और ये भाग दाएं होगा, अर्थात अपन कह सकते हैं आर के बाएं क्यू है, आर के दाएं एस है, एस के बाएं आर है, एस के दाएं कौन होगा? टी। इसी प्रकार ये आगे कंटिन्यू मानी जाती है ए बी सी डी। तो जेड की बात करते हैं तो इसके बाएं वाई है और इसके दाएं कौन है? ए। ए की बात करते हैं तो ए के बाएं जेड है और ए के दाएं बी है। ये अपनी वर्णमाला है, जिसको बाएं दाएं का आपको पता होना चाहिए कि कौन बाएं है कौन दाएं है। इसके अलावा फिर ऐसे ली जाती काम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ये एक नंबर पे आता है और ये आता है आपके 13 पे और ये आता है 14, ये 26। एक से लेके 26 तक अक्षर लिखे गए हैं और सभी को इसी पैटर्न से लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इनके नंबर क्रमांक आपको पता होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ए से लेके एम तक, मतलब 1 से लेके 13 तक, एन से लेके जेड तक, मतलब 14 से लेके 26 तक। तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ अल्फाबेट। ए से लेके एम तक, मतलब 1 से लेके 13 तक। द्वितीय अर्धांश, सेकेंड हाफ अल्फाबेट, जिसको बोलते हैं एन से लेके जेड तक, मतलब 14 से लेके 26 तक। अब आपको कई बार कहते हैं प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखने पर, तो पहले एम लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, जे, इस प्रकार से। द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखने पर कौन लिखा जाएगा पहले?
जेड, जेड लिखा जाएगा, वाई लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा, डब्ल्यू लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ कहाँ काम में लिए जाते हैं। फिर इसके नंबर क्रमांक आपको ये रट के रखने, एक नंबर पे कौन है, 13 नंबर पे कौन है, 15 नंबर पे कौन है, 18 नंबर पे कौन है। बाएं से कौन सा आएगा, बाएं से ए से जेड तक जाओगे, दाएं से जेड से ए तक आओगे। मतलब ये बात आपको पता होनी चाहिए, बाएं से तब आपको ए से जेड तक जाना है, दाएं से तो जेड से ए तक आना होगा। ध्यान रखिएगा कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा तो सी होगा, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, एक्स होगा। इसके अलावा इनको ये सभी विपरीत शब्द है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड, ठीक है। जैसे इसको कैसे याद रखेंगे, आज, इसको कैसे याद रखेंगे, बाय के बाय, इसको कैसे याद रखेंगे, सिक्स, और इसको कैसे याद रखेंगे, दूध वाला, और इसको कैसे याद रखेंगे, फ्यू, इसको कैसे याद रखेंगे, गौरव टॉवर जीटी, इसको कैसे याद रखोगे, हायर सेकेंडरी, और आईआर इंडियन, इंडियन रेलवे, जेक्यू जोधपुर क्वीन, जैकलिन जोधपुर क्वीन। इसके अलावा केपी काला पानी, और एमएन मन, और एक होगा एल ओ वी ई लव, एल के विपरीत ओ होगा, ओ के विपरीत एल होगा, या वी के विपरीत ई होगा, या ई के विपरीत वी होगा। ये बात भी आपको रटी हुई याद रखनी है कि इस प्रकार से जो ये वर्णमाला का जो शेड्यूल दिया गया है, इस शेड्यूल को आपको रट कर तैयार रखना है। कैसे रखोगे, रट कर तैयार रखना है। जैसे ही वर्णमाला के संबंधित कोई प्रश्न आता है, ये डायग्राम आपके दिमाग में फोटो के रूप में आ जाना चाहिए। 13 नंबर पे कौन है, 17 नंबर पे कौन है, 23 नंबर पे कौन है, 28 नंबर पे कौन है, सब आपके रटे हुए रहने चाहिए। हो जाएगा सेट, थोड़ा इसको कर दे शॉर्ट। हो गया, दिख जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, ये सब याद रखना है। एक प्रश्न में आता है के बाएं, एक आपके पास आता है के बाएं या के दाएं, तो दिए गए अक्षर को साथ में नहीं गिनते हैं। यदि के बाएं या के दाएं आ जाता है तो दिए गए अक्षर को साथ में नहीं गिनते हैं, ये बात याद रखनी होगी। इसके विपरीत एक आता है से बाएं एंड से दाएं, से दाएं आ जाता है तो दिए गए अक्षर को साथ में गिनते हैं। तो ये वर्णमाला के अंदर या रीजनिंग में के और से का डिफरेंस है, के का मतलब क्या होता है और से का मतलब क्या होता है, याद रखने के लिए के का मतलब कैंसिल में डाल दोगे और से का मतलब साथ में। के का मतलब उसको कैंसिल कर दिया गया है, से का मतलब उसको साथ में ले लिया गया है। तो ये ध्यान रखना है के बाय और से बाय में क्या अंतर होता है। इसके बाद में आपका प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न इस प्रकार से आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जी के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है।
अंग्रेजी वर्णमाला में जी के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है? तो पहले जी कहां है? देखिए जी अपना ये रहा, ये। अब दाएं इधर जाओगे तो के आ गया, या साथ में क्या आया? के दाएं। तो दिए गए अक्षर को साथ में नहीं गिनते हैं, तो यहां से एक दो तीन चार, कौन आंसर होगा? के। यदि यही प्रश्न इस टाइप से होता हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में एच से बाएं तीसरा अक्षर क्या है? यदि ये प्रश्न ऐसे होता, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स के बाएं तीसरा, एक्स से बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो यार नया शब्द क्या आया हमारे पास? से बाएं। मतलब दिए गए अक्षर को साथ में काउंटिंग करेंगे तो कहा है अपना एच? येरा। और इसका बाया किधर होगा? इतर होगा। तो एच को साथ में गिनना होगा, तो पहला दूसरा तीसरा कौन होगा? एफ। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन आपको सेट करना है और आपको रट कर याद रखना है। जिसने लिख लिया है या लिखना है, फटाफट लिख लीजिएगा, थोड़ी स्पीड मैनेज कीजिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, रटा हुआ रखना है। और मेन चीज आपको उसके नंबर क्रमांक, और नंबर क्रमांक को रटने के लिए एक तरीका ये भी काम में ले सकते हो, एक नया शब्द है जिसको बोलते हैं इजोटी, लेकिन ये इतना काम का नहीं है जितना आप रटोगे वही। मतलब ये 5, 10, 15, 20, 25, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको रटा हुआ 13 नंबर, जैसे IUPAC के अंदर या अपने पीरियोडिक टेबल में नंबर क्रमांक रटते हैं कि नहीं रटते हैं, उसी प्रकार से इसको भी रटना होगा। और जब तक रटोगे नहीं तब तक ये सेटलमेंट नहीं हो पाएगा इसका। हो जाएगा सेट? किस किसने नंबर रट दिया? वेरी गुड। अब देखिए नंबर में कई बार आता है एक तरफा, तो आपको रटना ही होगा। जैसे अपन बाएं तक चलेगा, ए से जेड तक, बाएं से दाएं, तो एक नंबर 13 नंबर। यदि वो दाएं से पूछ लेता है, दाएं से पूछने का मतलब ऐसा आ गया, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है? तो अपन दाएं से, आप क्या करोगे, यहां से गिनना शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से गिनोगे, तब तक टाइम लगेगा। तो दाएं से निकालने के लिए 27 में से जो दिया गया अक्षर माइनस कर दो 10, क्या आया? 17। 17 नंबर में बाएं से कौन सा आएगा? क्यू। तो ये हो जाएगा। और काउंट करोगे, मतलब दाएं से जब भी निकालना होगा तो 27 में से माइनस कर देना। ये दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? 27 में से 5 घटा दोगे 22, तो 22 पे कौन आ जाएगा? वी डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन एक तरफा तो आपका रटना ही पड़ेगा, 1 से लेके 26 तक अक्षर। हो जाएगा सेट कि नहीं होगा? वेरी गुड, जल्दी जल्दी कर दीजिए भैया, अभी तक नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, इधर से थोड़ा वाका सेटलमेंट तेज किया गया है ना, कोई बात नहीं। हो गया, लिख लिया? वेरी गुड, थोड़ी स्पीड मैनेज होनी चाहिए। अब जैसे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिक्स अभी स्टार्ट हुआ है, दिख नहीं रहा है? अरे तो भी इसको, वेरी गुड, अब तो दिखा, और बड़ा, हाँ अब सेट। हाँ वेरी गुड,
अभी इससे भी नहीं दिख रहा यार। कोई बात नहीं, आराम से। हाँ अब कर दो। इधर करना पड़ेगा, चल रहा है दिया बंद है क्या? चल रही है सर, चैट करना पड़ेगा इसको। हो गया? अरे अभी सेट करते हैं बस। पानी पी के आया था? आया था। हाँ अभी तक थोड़ी सी स्पीड तेज रखनी पड़ेगी। अब क्या है, ये माइक फाइक सब खोलना पड़ेगा ना। इतना धीरे कौन लिखता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। अभी तक हाँ, वेरी गुड, लिखना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर तथा बाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर तथा बाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं? चार। चार 15वें और 7 के बीच में चार ही आएंगे। बाएं से 15वें अक्षर तथा बाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? चार। चार किस किस के हो गए और 7 किस किस के हो गए? 7 में वेरी गुड, ज्यादा हाथ खड़े हो गए। और 8 किस किस के हो गए? 8 भी किसी के नहीं हुए, वेरी गुड, 3-4। तो देखिए आंसर क्या होगा, पहले 15 नंबर पे जाना है, फिर 7 नंबर पे आना है, अर्थात 15 में से 7 घटाएंगे 8। लेकिन जितना अंतर आएगा उस अंतर में से एक और कम करना होगा, जितना अंतर आएगा उसमें से एक और कम करेंगे तो 7 हो जाएगा। जो भी अंतर रहेगा उस अंतर में से एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट अपन 7 घटा देंगे और इधर ये 15वा एक माइनस क्यों करते हैं कि 15वे को काम में नहीं लेना है, तो 15वा ही हटा देंगे तो पीछे रहेंगे 7 और 15वा आएगा तो तब हो जाएंगे 8। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार रखना है। इसके बाद अरे पेज ज्यादा खराब नहीं करने होते हैं, एक पेज में सेटलमेंट कर सकते हैं अपन। अब देखिए ये याद रखना, पर्सन में बाएं बाएं या पर्सन में दाएं दाएं आ जाता है तब क्या करते हैं? बड़े अक्षर में से छोटे अक्षर को घटाते हैं। पर्सन में बाएं बाएं या दाएं दाएं आ जाता है तब बड़े अक्षर में से छोटे अक्षर को घटाते हैं, या फिर पर्सन में बाएं दाएं या दाएं
बाएं आ जाते हैं, विपरीत अक्षर आ जाते हैं, तब दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बाएं और दाएं या दाएं और बाएं, जब दोनों विपरीत अक्षर आ जाते हैं, अपोजिट में लिखे हुए आ जाते हैं, तो दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं, और सेम कंडीशन में होगा तो दोनों अक्षरों को घटा देते हैं। और प्रश्न इसी में से मैं भेजूंगा एग्जाम के अंदर आपके, किस में से यही प्रश्न आएगा। कैसे आएगा प्रश्न अभी सेट करते हैं। ऐसे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? है कैसे होगा? टी, टी फॉर टाइगर। देखिए इसमें ये इस प्रकार से, एक तो आया है 13वें बाएं आ गया और एक आ गया दाएं। बाएं और दाएं जब दोनों आ जाते हैं, बाएं और दाएं, तब क्या करते हैं? क्या करेंगे? जोड़ते हैं। यहां देखिए बाएं और दाएं दोनों आगे दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं, मतलब 13 प्लस 7 20। 20वां अक्षर कौन सा होगा? टी, रटा हुआ होना चाहिए। एक नंबर कौन है, 12 नंबर कौन है, 15 नंबर कौन है, 18 नंबर कौन है, 20 नंबर कौन है? तो क्या आंसर होगा इसका? टी। या फिर वो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? एक्स। और कोई? पहले आप इस प्रश्न में क्या नोट करोगे कि दोनों तरफ क्या क्या आ रहा है? आपके एक तो आ रहा है दाएं और दोबारा भी दाएं आ रहा है, दोनों तरफ सेम शब्द आ रहा है, तो कौन सा सेटलमेंट करेंगे? ये और ये करेंगे, अर्थात बड़े वाले अक्षर में से छोटे वाले अक्षर को घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? आपके 18 में से 15 घटा देंगे, 3। और तीसरा अक्षर कौन होगा? एक्स। किस किसके हो जाएगा? वेरी गुड, काफी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है। एक अपने तीसरा अक्षर सी भी आता है, सी किस किसके हो जाएगा? वेरी गुड, काफी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है, किसी ने नहीं किया। अरे तो अपन पीछे क्यों देखते हैं? सबसे पीछे वाला आगे देखता है, हाँ लाइव है इसलिए पीछे देखते हैं। वेरी गुड, देखिए जैसे, हाँ अब यहां पर कौन आएगा? अपना आंसर होगा 3 नंबर पे एक्स आएगा। अब ये एक्स क्यों आया, इसका कारण हमें पता होना चाहिए। फर्क इस पर्सन में और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, कि इस पर्सन की स्टार्टिंग बाएं से हुई, इसलिए आप पर इसकी काउंटिंग बाएं से देंगे। बाएं से मतलब ए से जेड तक, लेकिन इस पर्सन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? दाएं से हो रही है। दाएं से मतलब जेड से ए तक आओगे, तो जेड से ए तक आने के लिए तीसरा अक्षर हमारा कौन सा आएगा? एक्स। और ये हमारा आंसर सेट हो जाएगा। अब कल के लिए अपने पास शेड्यूलिंग रहेगी कि जो ये डायग्राम है
सबको रट के आना है, इसी को बेसिस मानते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा दिखा नहीं अभी तक? हाँ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। हाँ ये हो गया, ये पार्ट आपको कल याद करके आना है, इसी से अपन आगे बढ़ेंगे। आज अपना इतना ही सेट होगा। ओके।